So guys, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोटो या किसी फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हो, वो भी एक सेकंड में बिना क्वालिटी कम किए। अगर आप अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां से आप इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहां से बैकग्राउंड रिमूव करोगे तो आपकी इमेज की जो क्वालिटी होगी वो एकदम बेकार हो जाएगी, आपका जो इमेज होगा वो एकदम ब्लर दिखेगा। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपकी इमेज क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी। जैसा आपका इमेज होगा सही आपका इमेज आएगा और बहुत अच्छी क्वालिटी में आएगा। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नीचे आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक अच्छा सा इमेज क्लिक करना है जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। आपकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए तभी आपका जो बैकग्राउंड होगा वो अच्छे तरीके से रिमूव होगा और आपकी इमेज क्वालिटी यहां पर बेकार नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छा सा आपको इमेज क्लिक करना है, थोड़ा लाइट वोट का इंतजाम कर लेना ताकि आपका अगर थंबनेल के कोई फोटो क्लिक कर रहे हो तो वो अच्छी क्वालिटी में आए। ठीक है, इसके बाद हम कोई वेबसाइट का यहां पर यूज नहीं करने वाले हैं, हम यहां पर एक एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। यानी यहां पर आपको ऑटो कुछ भी नहीं करना है, सारा आपको मैनुअल करना है। अगर आप मैनुअल तरीके से अपने खुद से ही बैकग्राउंड रिमूव करोगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है एंड यहां पर आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है, बैकग्राउंड। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है बैकग्राउंड इरेजर। ठीक है, इतना आप सर्च करोगे आपके सामने यहां पर ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। हम इसी का यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी सही तरीके से कैसे यूज करते हैं, कैसे आपकी अच्छी क्वालिटी आएगी वो समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जल्द से जल्द हम अपना बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको लोड अ फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब जो भी आपका फोटो हो उसको यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपके यहां पर फोल्डर आ जाएंगे, उन फोल्डर में जिसमें भी आपका फोटो हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरा ये फोटो है, इसको मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको इस तरीके से कट कर देना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है हम उसको पहले यहां पर क्रॉप में कट कर देंगे। ठीक है, यहां पर इस तरीके से मैं यहां पर कट कर देता हूं और उस यहां पर इसको मैं डन कर देता हूं। ठीक है, हमारा यहां पर सिलेक्ट किया हुआ इतना इमेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर ऑटो का एक ऑप्शन मिल जाता है, मैजिक का एक ऑप्शन मिल जाता है या हमें यहां पर मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, हम यहां पर ये सारे ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहां पर मैनुअल का करेंगे क्योंकि मैनुअल से क्या होता है, आपका एक अच्छी क्वालिटी में जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव होगा। ठीक है, यहां पर अगर आप रिपेयर पे करोगे, रिपेयर पे क्या है, अगर यहां पर आपने इस तरीके से कर लिया और आप इसको रिपेयर करना चाहते हो तो यहां पर आप अंडू भी कर सकते हो या अंडू नहीं करो तो रिपेयर पे क्लिक करके आप इसको इस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। आपका यहां पर जो भी अगर गलत हुआ होगा वो यहां पर रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, मैनुअल पे जाना है और जो भी हमारा बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करना है। यहां पर मैनुअल साइज है, हमें बड़ा कर लेना है एंड इसको इस तरीके से हमें रिमूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एंड इस तरीके से आप क्या करोगे, यहां पर आप रिमूव करते जाओगे। ठीक है, यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से आपको रिमूव करना है और जो भी यहां पर छोटा सा साइज रह जाए इसका साइज छोटा करके आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर मैनुअल करोगे तो आपका जो होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत अच्छे तरीके से यहां पर रिमूव होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कर लेता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आपको साइडों से करना है, जो भी आपकी साइडें हैं यहां पर उसको आपको करना है। जैसे इस तरीके से आपको क्या करते जाना है, यहां पर आपको साइडों से करते जाना है। यहां पर आप साइडों से करोगे, इस तरीके से आपको साइडों से करना है। पहले आप सबसे नॉर्मल जो इजी तरीका है वो आपका यहाँ पर साइडों से, इस तरीके से आप साइडों से करते जाओगे, जितना भी आपका यहाँ पर फोटो है उसके साइड साइड में आपको इस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारी जो साइडें हैं यहाँ पर मेरे इमेज की वो सब पे मैंने इस तरीके से यहाँ पर कट कर लिया ताकि मैं यहाँ पर कोई बड़ा यहाँ पर मैनुअल ब्रश चलाऊं तो यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका ब्रश का जो साइज है आपको बड़ा कर लेना है एंड यहाँ पर आराम से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा देख सकते हो, यहाँ पर कलर आप चेंज कर सकते हो, यहां पर बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज कर सकते हो, आप इस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा साइज है वो आपको आराम से धीरे-धीरे करके चलाना है यहां पर क्योंकि हमारा जो साइडें थी वो तो हमारी अच्छी तरीके से कट चुकी हैं। एंड इसके बाद आपको मैन्युअली करना है। ठीक है, सारा काम आपको मैन्युअल करना है, कोई भी ऑटो तरीके से नहीं करना। अगर आप ऑटो तरीके से करोगे तो यहां पर अच्छे तरीके से आपका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा और आपका यहां पर अच्छी क्वालिटी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस साइड का कर लिया और इस साइड को भी इसी तरीके से करना है। ब्रश का साइज आपको बड़ा करना है और इमेज का साइज आपको छोटा करना है और आपको यहां पर अंधाधुन इस तरीके से चलाते रहना है। बस आपको यहां पर साइड का ध्यान रखना है, साइड आपकी कोई भी यहां पर एक्स्ट्रा ना हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा बहुत अच्छे तरीके से यहां पर रिमूव होगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहां पर इसको रिमूव किया, अभी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको यहां पर रिमूव करना है। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पर रिमूव हो चुका है एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा अच्छा हो चुका है। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर नीचे का भी आपको कर लेना है पूरा का पूरा। इस तरीके से आप अगर करोगे बड़ा ब्रश करके तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपका यहाँ पर कट नहीं होगा और अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको कर लिया और करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा अच्छा तरीके से हो गया, कोई भी यहाँ पर हमारे इसमें दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर हम कलर चेंज करके देखेंगे कोई यहाँ पर हमारा रह गया नहीं रह गया। जैसे यहाँ पर हमारा थोड़ा सा रह गया, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, कलर चेंज करके आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड होगा अच्छे तरीके से यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको डन कर देंगे। अब डन करने के बाद यहाँ पर हमें स्मूथ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर हम सेकंड करेंगे, यहाँ पर टर्न नहीं करेंगे वरना ज्यादा हो जाएगा, सेकंड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सेव कर देंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो इस तरीके से रिमूव हो जाएगा, हमारा इमेज इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद फिनिश कर देंगे, एक एड आएगा, एड को देख लेना चाहो वरना कट कर देना। ठीक है, इस तरीके से कट कर देना और आपका जो बैकग्राउंड होगा वो इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो इमेज है वो इस तरीके से आ गया। इसका हम आपको साइज दिखा देते हैं, तो 2 MB का इसका साइज है। ठीक है, तो काफी अच्छा साइज है और यहाँ पर क्वालिटी भी काफी अच्छी है, कोई भी आपका यहाँ पर क्वालिटी कम नहीं होगा, जैसा पहले होगा वैसा ही आपका अभी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर कोई वेबसाइट का यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी एप्लीकेशन का यूज करना, यहाँ पर आप मैनुअल तरीके से ही करना, तभी आपका जो बैकग्राउंड होगा वो अच्छे तरीके से रिमूव हो पाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, जिससे आपकी फोटो की क्वालिटी कम नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी जो क्वालिटी होगी वो एकदम ओरिजिनल क्वालिटी आएगी, जिससे आपका जो इमेज होगा वो काफी अच्छा दिखेगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप YouTube से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या YouTube से पैसे कैसे कमाते हैं या ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस चैनल को सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।